चित्रकूट उपचुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। बीजेपी नेता और चित्रकूट उपचुनाव प्रभारी नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंदेल का कहना है कि अधिकारियों कर्मचारियों पर फर्जी मतदान कराने का दबाव बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी। चंदेल ने कांग्रेस नेताओं को संयमित भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत भी दी है। वहीं उपचुनाव के मद्देनजर ब्लॉक वार सेक्टर प्रभारियों की बैठक लेने पहुंचे जेएसएस के नेता अमित जोगी ने भी बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व विधायकों पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। अमित जोगी के मुताबिक वे खुद प्रचार की कमान संभालेंगे। बाकी दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके नेता जाते हैं, जनता को पैसा देते हैं। दंतेवाड़ा की दंगल से सरकार सीख चुकी है कि किस प्रकार पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीता जाता है। हम लोग पूरी तरह से अब तैयार हो चुके हैं। इस बार मैं स्वयं यहां पर बैठा हूं।